सो है गाइस, वेलकम टू माय कृष्णा शॉर्ट चैनल। तो फिर से आप लोग हमारे चैनल पे एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ वेलकम है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, आज बहुत ही आप लोगों के लिए अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज आप लोगों को दाविन सीरीज में एक बहुत ही बेस्ट इफेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट रेज। इस इफेक्ट के माध्यम से अपने क्लिप्स में अलग अलग ढंग से लाइट्स दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को लाइट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने दाविन सीरीज में। अब देखिए, हम यहाँ पे अपना दाविन सीरीज ओपन करके रखे हुए पहले से ही, और टाइमलाइन पे हम दो क्लिप्स रखे हुए हैं। पहली क्लिप ये है और सेकंड क्लिप ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोनों क्लिप्स के ऊपर हमको लाइट्स से इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स मेनू में, और हमको आना है ओपन इफेक्ट्स पे। यहाँ पे हमको क्लिक करना है। अब हम सर्च बार में टाइप करेंगे लाइट रेज। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे लाइट रेज। तो ये लाइट रेज, इसको हमको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के ऊपर लेकर आना है। हम जब इस पर लेकर लगा देंगे इफेक्ट्स को अपने टाइमलाइन के ऊपर, तो देखेंगे यहाँ पे ये इफेक्ट्स फेस पे अप्लाई हो चुका है, और यहाँ जहाँ लाइट्स आ रही है वहाँ पे अप्लाई होगा हो गया है। जहाँ ये लाइट्स रहेगा वही ये इफेक्ट्स काम करेगा। अब यहाँ से हम आपको बंद करके दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब हमको आना है राइट साइड में, ये है ओपन इफेक्ट्स, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट रेज, ये है हमारा इफेक्ट्स। अब देखिए नीचे थ्रेशोल्ड है, आपको थ्रेशोल्ड को अपने क्लिप्स के अनुसार यहाँ से कम बेसी करना है। तो आपको जितना लाइट्स देना हो यहाँ से थ्रेशोल्ड को कम करके और ज़्यादा करके कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप एनिमेशन भी कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पे, तो उसको बाद में देखते हैं अभी। अब नीचे देखिए ये पोजीशन, आप पोजीशन पाएंगे एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन। आप यहाँ से एक्स पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, इस लाइट्स के पोजीशन को जिस तरीके से घुमाना चाहते हैं यहाँ से घुमा सकते हैं, और वाई रोटेशन से भी इस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं लाइट्स को। तो आपको जिस तरीके से करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अब नीचे अपीयरेंस है, इसमें हमको आना है। अब देखिए ये डिफॉल्ट ही हमको इसको रखना है, और लेंथ को आप जितना चाहें इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आपको जितना रखना हो लाइट्स, लंबा छोटा इस तरीके से इसके लेंथ को कम बेसी करके यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सॉफ्ट पेन, आप यहाँ से सॉफ्ट पेन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर लाइट्स को, तो आप सॉफ्ट पेन भी कर सकते हैं। और ये देखिए ब्राइटनेस है, आप ब्राइटनेस भी कम बेसी यहाँ से कर सकते हैं। आपको जितना लाइट्स देना हो यहाँ से ब्राइटनेस को कम बेसी करके कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे, देखिए कलर, आपको यहाँ पे जिस टाइप का कलर देना हो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, और मान लीजिए हमको ये रेड टाइप का देना है यहाँ पे इफेक्ट्स, तो आप जिस कलर को ले जाएंगे, ग्रीन, येलो, आपको जिस टाइप का यहाँ पर कलर देना हो कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखेंगे यहाँ रेड टाइप का यहाँ पे इफेक्ट्स क्रिएट होगा लाइट्स। अब देखिए ये है कंपोजिट मोड, इसको आपको यहाँ से एक एक करके देख लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे एड ही रखूँगा, एड इफेक्ट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है, एड कंपोजिट मोड। अब हमको यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इफेक्ट्स है क्रिएट हो गया, लेकिन हम अब चाहते हैं कि ये जो इफेक्ट्स है यहाँ पे ये जो फेस पे है हमको फेस पे नहीं लगाना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले अब इस जो इफेक्ट्स हम यहाँ टाइमलाइन पे लगाए हुए हैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब इसका एक और तरीका है, हमको आना है कलर पेज में, यहाँ पर आएंगे कलर पेज में। अब हम यहाँ पे ये जो नोट्स है इसकी एक डुप्लीकेट नोट बनाएंगे, तो अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, देखेंगे सेकेंड नोट्स यहाँ पे क्रिएट होगी। अब इसके बाद हम ये जो नोट्स है इसके ऊपर हमको लगाना है पावर विंडो। तो हमको देखिए पावर विंडो, अब ये पावर विंडो है, इसको हमको सेट करना है। हमको यहाँ पे लेना सर्किल, यहाँ सर्किल लेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, और इस नोट्स पे भी इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्किल अप्लाई हो, जहाँ पे ये देख सकते हैं राउंड इतना इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो हमको इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है इस तरीके से। अब पूरे चेहरे को हम इस तरीके से मास्किंग कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे चेहरा मास्क हो गया है। अब हमको फिर से नीचे आना है पावर विंडो के राउंड सर्किल पे, और यहाँ से इसको हमको कर देना है इन्वर्ट। इन्वर्ट जब करेंगे तो देखेंगे अब ये जो लाइट्स हम जब लगाएंगे तो ये चारों तरफ तो ऐड होगा और ये फेस पे ऐड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे लाइट रेज, लाइट रेज। अब इसको ड्रैग करके अपने नोट्स के ऊपर लगा देंगे, देखेंगे ये जो इफेक्ट है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हम फिर से वही काम करना है, हमको यहाँ से सारी चीज़ों को चेंज करके जिस तरीके से आपको रखना हो आप यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो भी कलर देना है यहाँ से रेड, ब्लू, तो यहाँ से आप अलग अलग कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर यानी कि क्लिप्स के ऊपर। तो इस तरीके से इसको आप लोग यूज कर सकते हैं लाइट रेज को। अब देखिए जो हमारा सेकेंड क्लिप्स है, ये जो सेकेंड क्लिप्स इस पर भी हम अप्लाई करके आप लोगों को दिखाते हैं इस इफेक्ट्स को। तो इसको हमको यहाँ पे अपने टाइमलाइन के ऊपर कर्सर को लेकर आ जाना है। इसके बाद फिर से हमको जाना है कलर पेज में, यहाँ आने के बाद फिर से इसको हम एक डुप्लीकेट नोट्स बनाएंगे यहाँ पे, तो अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो सेकेंड नोट्स यहाँ पे देखेंगे क्रिएट्स हो जाएगा। अब फिर हमको यहाँ पे सर्च करना है लाइट रेज, ये लाइट रेज इसको हम अप्लाई कर देंगे अपने नोट्स के ऊपर।
और यहाँ अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमको करना क्या है, ये जो कलर है यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे, कलर को पहले अपने चेंज करेंगे हम, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस टाइप का कलर ले लेंगे, यहाँ पे पिंक टाइप का, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का हम कलर चूज कर लेंगे और ओके करेंगे। अब इतना करने के बाद ये जो देखिए ये जो इसकी लेंथ है, इसके लेंथ को हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, हमको ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही रख लेंगे। अब इसके बाद ये जो वाई पोजीशन है इसका, हमको इस तरीके से इसके वाई पोजीशन को चेंज करना है, देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट ये क्रिएट हो रहा है। अब हमको जैसे इसको अब एनिमेशन करना है तो हम अपने ये जो प्ले हेड को यहाँ पर हम लगाएंगे बिल्कुल जीरो फ्रेम पे यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो वाई पोजीशन यहाँ से हम इसको जो डायमंड की ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद आपको जहाँ तक इसको एनिमेशन बनाना हो, मान लीजिए यहाँ तक एनिमेशन बनाना है, तो इसके वाई पोजीशन को हमको यहाँ पर इस तरीके से चेंज करना है, बस इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। अब हम फिर से प्ले करेंगे इसको, तो देखेंगे यहाँ पे जो ये चारों तरफ से जो हमने लाइट्स इफेक्ट्स क्रिएट किया, इस तरीके से ये एनिमेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये इस लाइट्स को यूज कर सकते हैं, लाइट रेज इफेक्ट्स को। तो ये आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।